मेरा नाम है है? और आज हम के के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हैं। तो चलिए शुरू करते पास mainly क्या होता रिसेप्टर हर एक आई के पास एक लेयर ऑफ रिसेप्टर होता है एक लेंस सिस्टम होता है एंड सिस्टम ऑफ नर्व्स हमारी जो आंखें होती हैं मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द एंटीरियर सेगमेंट एंड द सेकेंड वन इज द प्रोस्टीरियर सेगमेंट द एंटीरियर सेगमेंट के अंदर आगे वाली जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं जैसे कि हो गया हमारा कॉर्निया द आयरस द सिलेरी बॉडीज एंड द लेंस लेंस तक की जो जितने जो भी पार्ट्स होते हैं वो हमारे एंटीरियर सेगमेंट में आते हैं प्रोस्टीरियर सेगमेंट में आता है हमारा लेंस के पीछे का रीजन लेंस और रेटिना के बीच में जितना भी रीजन होता है वो हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट कहलाता है एंटीरियर सेगमेंट के अंदर जो फ्लूड या फिर जो यूमर प्रेजेंट होता है आई में उसको हम कहते हैं एक्वस यूमर। ये मेनली न्यूट्रिएंट्स लाता है आई को और एक आई को सारे जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिएंट्स की ये प्रोवाइड कराता है एंड प्रोस्टेरियर सेगमेंट इज फिल्ड विद विट्रिस यूमर ये आई को उसका शेप प्रोवाइड करता है अब एक आई बिल्कुल सिमिलर काम करती है जैसे कि एक फ़ोटो कैमरा काम करता है जैसे कि हम वीडियोस बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमारी आँखें भी काम करती हैं जैसे कि अगर वीडियो में कैमरे में देखा जाए तो कैमरा फ़ोटो खींचता है उसको मैग्नेटिक टेप में कन्वर्ट करता है और उसको जब सक्सेसफुली डन हो जाता है तब हम विजुअली उसको देख पाते हैं उसी तरीके का काम करती हैं हमारी आंखें हमारी आंखें लाइट एनर्जी अंदर लेती हैं लाइट एनर्जी के अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमारी आँखों में होता है फिर सिग्नल डेवलप होता है जो कि ब्रेन तक पहुँचता है ब्रेन से हमारी नर्व इम्पल्स आती हैं और वो हम चीज़ें पहचान पाते हैं कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं और एक इम्पल्स एक्शन उसके उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं ये हमारी आँखें करती हैं नावे कंट स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई अब हम देखेंगे कि आई कैसा होता है तो पहले जो एंटीरियर सेगमेंट है इसमें हमारा आता है हमारा कॉर्निया दिस पार्ट दैट इज द दैट इज द फॉर्मोस पार्ट फिर आता है हमारा आयरस ये वाला पार्ट एंड द लेंस एंड द सिलेरी बॉडीज़ आगे का जितना भी रीजन होता है हमारा एंटीरियर सेगमेंट कहलाता है और ये पीछे का जो रीजन है हमारा पॉस्टीरियर सेगमेंट कहलाता है अब ये एंटीरियर सेगमेंट में पहला है हमारा कंजंक्टिवा दूसरा है हमारा कॉर्निया अब कॉर्निया क्या करता है ये कि जो आयरस है हमारा आँख का जो आयरस है इसको कवर करता है और लाइट जो हमारी आँखों में आती है उसको फोकस करता है कहाँ रेटिना को फोकस करता है कॉर्निया ओके ये हमारा सेकंड है हमारा एंटीरियर चेम्बर ये जो यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है स्पेस इसको हम एंटीरियर चेम्बर कहलाते हैं ये जो एक चीज़ है यहाँ पर छोटी सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं आयरस कि आयरस क्या कर रहा है हमारी बॉडी में रेगुलेट्स द डायमीटर ऑफ द प्यूपल एंड अलाउज मोर एंट्री ऑफ लाइट जो प्यूपल है उसके डायमीटर को रेगुलेट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आँखें कैप्चर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आँखों के अंदर आए और रेटिना तक पहुँचे ये करता है आयरस अब ये है लेंस लेंस का मीन काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना ठीक है अब ये एंटीरियर सेगमेंट हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया अब ये जो हमारा प्रोस्टीरियर सेगमेंट है ये इसमें क्या फिल्ड होता है इस लेयर में विट्रस यूमर इस पूरे एरिया में विट्रस यूमर प्रेजेंट होता है अब इसके अंदर क्या क्या आता है देखिए पहला है हमारा ये सिलेरी बॉडीज़ ये यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ये सिलेरी मसल्स ये एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर इसको हम सिलेरी मसल्स कहते हैं द रेटिना रेटिना क्या काम करता है इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव कवर ये रेटिना जो होता है इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव कवर इट हैज़ लाइट रिसेप्टर्स जिनको कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी ये मेन पार्ट है रेटिना के अंदर क्या होते हैं लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि दो होते हैं रॉड्स और कोन्स रॉड्स और कोन्स क्या करते हैं दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी जो लाइट हमारी बाहर से हमारी आँखों के अंदर आ रही है उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू सिग्नल्स जो कि कहा जा रहे हैं हमारे ब्रेन में जा रहे हैं वाया ऑप्टिक नर्व्स आँखों से ब्रेन तक जो नर्व्स जाती हैं उनको ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं तो ये जो सिग्नल हमारे लाइट एनर्जी से कन्वर्ट होकर ब्रेन में जा रहा है ये जाता है थ्रू रॉड्स एंड कोन्स ठीक है ऑल नर्व इम्पल्स ट्रैवल बैक टू द ब्रेन ये ब्रेन तक नर्व इम्पल्स ट्रैवल होते हैं और हमारी ब्रेन सिग्नल देती है कि हम क्या देख रहे हैं ये काम है हमारा रचना का ठीक है और ये है नेक्स्ट हमारा दो कोरोइड्स दे आर डीपली पिगमेंटेड विथ मिलैनन प्रोवाइड्स ब्लड सप्लाई एंड अब्ज़ॉर्ब स्कैटर्ड लाइट ये जो पार्ट है कॉरॉयड यह क्या है बहुत ही डीपली पिगमेंटेड होता है किस चीज़ से मिलान से एंड आंखों में जो ब्लड सप्लाई होता है आगे के पोर्शन में नहीं पीछे के पोर्शन में जो नर्व से ब्लड सप्लाई होता है वो कराता है ये कॉरायड एंड इट अब्ज़ॉर्ब स्कैटर्ड लाइट जो लाइट फैली हुई होती है इधर उधर अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं हो पाती है ये कॉरयड का को काम है कि उस लाइट को गैदर करना और उसको अब्जॉर्ब करना अब यह है स्क्लेरा इट इज द वाइट ऑफ द आई ये हमारी आँख की जो वाइट है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कॉलेजिन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कॉलेजिन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट से बना होता है एंड इट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई एंड कवर्स एंटायर आई बॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया ये पूरा आई बॉल कवर करती है एक्सेप्ट द कॉर्निया दैट इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई ये कवर कर नहीं करती है बाकी पूरा हमारा आई ये कवर करता है अब हमने यहाँ पर बात की थी रॉड्स एंड कौन्स की जो कि लाइट रिसेप्टर्स होते हैं रेटना में रेटना के अंदर दो लाइट रिसेप्टर्स होते हैं रॉड्स एंड कौन्स जो कि मेन फंक्शन करते हैं लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं सिग्नल्स में और ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि क्या है वो और ब्रेन एक नर्व इम्पल्स देता है हमें पता चलता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं तो ये जो रॉड्स एंड कौन्स होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स दे आर फोटो सेंसिटिव ये फोटोसेंसीटिव सेल्स होते हैं कंटेन डिफरेंट पिगमेंटेड प्रोटीन्स इनके जो प्रोटीन्स होते हैं वो डिफरेंटली पिगमेंटेड होते हैं रॉड सेल्स के पास जो प्रोटीन है उसको कहते हैं रोडॉपसिन ये प्रोटीन रॉड सेल्स के पास होता है एंड कौन सेल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग कलर रेंज के लिए जितने भी कलर रेंज हैं उसके लिए डिफरेंट कलर डिफरेंट तरीके का प्रोटीन हमारे पास कौन सेल्स के लिए होता है ये हमारा ह्यूमन आई है सो so गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल रॉयल टैलेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगी